आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। देश में फिलहाल दूसरी लहर थम गई है, लेकिन संभावित तीसरी लहर अब भी लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। इस सब के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रहने के उपायों को प्रयोग में लाने की अपील कर रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश में अफरा तफरी का मंजर वर्षों तक भूला नहीं जा सकेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दिया, साथ ही इसमें उत्पन्न स्वास्थ्य स्थितियों ने चिकित्सा सुविधा और इसके बुनियादी ढांचे पर भी बुरा असर डाला है। देश में फिलहाल दूसरी लहर थम गई है, लेकिन संभावित तीसरी लहर अब भी लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। इन सबके बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रहने के उपायों को प्रयोग में लाने की अपील कर रहे हैं। इस समय वायरल फीवर के भी आ रहे हैं, उन्हें हमें देखना है कि उन्हें ये भी हम लोग देख रहे हैं आजकल कि वो कोरोना के तो नहीं है या सिंपल वायरल फीवर के हैं। तो ओवरऑल यही देखा जा रहा है, अभी तो सिंपल वायरल फीवर के हैं। हालांकि इक्का दुक्का केस कभी दो चार दिन में एक आध केस कोरोना का निकल रहा है। सर, दूसरी लहर के बाद कितने तक परसेंटेज मरीज बढ़ेंगे टीबी इंफेक्शन के, इस तरह के? हम बिल्कुल आपसे बताना चाहूँगा, दूसरी लहर थी उसके बाद अगर देखा जाए तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के, फीवर के, या जो सांस फूलती है एंजाइटी न्यूरोसिस के, या खांसी के, ड्राई कप के मरीज काफ़ी हद तक बढ़े हैं। लेकिन उनमें ये देखा गया है कि बहुत से लगभग 20% लोगों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस डेवलप हुई है, उसके अलावा भी उनमें थोड़ी सी इम्यूनिटी कम हुई है। उन सबको हम देखें, अगर उनका ढंग से इलाज करा जाए तो वो मरीज काफ़ी हद तक सही भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सभी लोगों को दूसरी लहर की तबाही से सबक लेने की आवश्यकता है। हमें उन गलतियों को फिर से दोहराने से बचना चाहिए जिनके कारण दूसरी लहर के दौरान तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं ने हमें घेर लिया था। अब लोगों को प्रिकॉशन रखना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। पिछली वाली वेव इसीलिए आई थी कि 1 अप्रैल तक कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कि ये तो वेव चली गई, और 1 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल से ऐसा माहौल हो गया कि बिल्कुल जैसे मतलब हिंदुस्तान का मेरे ख्याल में शायद पिछले 100-200 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मतलब लोग तड़प रहे हैं कि एडमिट हो जाएं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और बीसीओ फ़ोन मेरे मिलने वाले आ रहे हैं। मैं भी हेल्पलेस था क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे पास कोई नर्सिंग होम नहीं है अपना, लेकिन मैं तो कंसल्टेशन ही कर सकता हूँ, लेकिन एडमिट कराना पेशेंट को तो मेरे लिए संभव ही नहीं था एडमिट कराना। और क्या डेथ्स हुई, कितना इन्फेक्शन हुआ, तो एक्चुअली सरकारी आंकड़े कुछ भी हों लेकिन इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ, और मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कि एक आध मिलने वाला नहीं एक्सपायर हुआ हो। जिस तरह से कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहे हैं, यह तीसरी लहर को और भी गंभीर बना सकता है। म्यूटेंट वायरस की संक्रमणता भी पहले से कहीं अधिक मानी जा रही है। ऐसे में हम सभी के लिए इससे बचाव ही एक आसान तरीका हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए दूसरी लहर में की गई गलतियों से सीख लेने की आवश्यकता है। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।